उसकी गाय को ऐसे पीटता है जैसे कोई कुत्ते बिल्ली को, अपन जैसे इंसान भी किसी जानवर को बहुत भयंकर तरीके से पीटता मारता है। उस कारण करने के बाद उस जैसे मेरे मित्र को पता, कल हमारे गांव घूगरा के अंदर कोई गाय का वारदात हुई थी, उसके अंदर एक मेरे मित्र की गाय थी, तो उन्होंने क्या करा कि 5-7 दिन से कोई बंदा उसके साथ कुछ गलत कर रहा था, तो वो रोज़ बंदा जाता था सुबह शाम, तो शाम को सुबह देख के आता था तो देखता यार ये इस गाय के कभी चोटें कहीं लगी हुई थी कभी कहीं थी, तो उसने बंदे ने क्या मेरे मित्र ने सीसी कैमरे लगवा दिए। सीसी कैमरे लगाने के बाद कल 8 से 8:15 का टाइम था, एक बंदा आता है, अज्ञात व्यक्ति दीवार कूद के अंदर घुसता है, अंदर घुसने के बाद उस गाय को कुछ खिलाता है, खिलाने के बाद गाय 15-20 मिनट बाद में बेहोश हो जाती है, उसके साथ में बाद में वो बंदा पूरे कपड़े उनके खोल के उसके साथ समूह करता है, करने के बाद उसको उसकी गाय को ऐसे पीटता है जैसे कोई कुत्ते बिल्ली को, अपन जैसे इंसान भी किसी जानवर को बहुत भयंकर तरीके से पीटता मारता है। उस कारण करने के बाद उस जैसे मेरे मित्र को पता पड़ा उसी से कैमरे में, हम ग्रामीण वालों को मेरे को बुलाया, हम गए वहाँ मौके पे देखा था उसको, उसने दरवाज़ा खोलने बोला, वो दरवाज़ा नहीं खोला और डायरेक्ट दीवार कूद के भागने की कोशिश की, हमने पकड़ा उसको, पकड़ने के बाद उसको पूछा भाई तू इसमें क्यों करता है कि जब चोरी करने नहीं आता या क्या करने, तो उसने कहा कि मैं कम से कम 15-20 दिन से इस गाय के साथ संभव करता हूँ, इसीलिए मैं इसमें आता हूँ, ये मेरा पेशा है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आज मुकदमा दर्ज कराया, आज हम आए हैं शिवलाइन, कल तो पकड़ा दिया था और आज शिवलाइन थाने में हम मुकदमा दर्ज करा चुके हैं और कुछ हमें है कर रहे हैं। सीआई साहब से और प्रशासन से आग्रह और करते हैं कि हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, नहीं तो फिर हमारे जो हिंदू संगठन है इसके लिए और आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर गुजर, शिवसेना हिंदुस्तान, लोकसभा। भाई साहब कौन से गाँव से आए और क्या मामला? मैं घूगरा गाँव लाडपुरा रोड अजमेर से आया हूँ और करीबन 7-8 दिन से गाय के में कभी सींग टूटना, कभी पांव टूटना, कभी बॉडी पे स्क्रैच होना, इस तरह की घटना हो रही थी, तो उससे काफ़ी परेशान हो गया। फिर अंदर वहाँ पे मैंने अभी 3 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा लगाया, उस सीसीटीवी कैमरे में कोई रात के करीब 7:40 पे कोई अनजान व्यक्ति नज़र आया मेरे को, और जाके गाँव के और कुछ दोस्तों को लेके गया वहाँ पर, तो उस मौके से उस आदमी को पकड़ा, तो वो मेरा पड़ोसी नज़र आया इरशाद नाम करके, और वो कोई क्रेकरी की कोई छोटी फैक्ट्री है उसमें काम करता है पड़ोस में ही, और उसको पूछा अंदर आने का उसका प्रयोजन क्या था, तोड़ फोड़ के अलावा लेके कुछ नहीं जाता था वो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे गाय के साथ संभोग करने के लिए आता हूँ और पहले गाय को कुछ ऐसी नशीली चीज़ खिलाता हूँ जिससे गाय बेहोश हो जाती है, बेहोश होने के बाद में वो गिर जाती है, गिरने के उपरांत मैं उसके साथ संभोग करता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब आप क्या कहाँ पे आए और क्या? सिविल लाइन थाने में आए हुए हैं, उसको कुछ जो अपनी मातृ देवी है गाय जी जी रिपोर्ट दर्ज कराने है। हाँ उसके नाम वो गाय माता है, उसके साथ में इस तरह की हरकत करता है, तो जी। क्या घर के अंदर ही बांधते थे आप गाय को? नहीं, 500 मीटर दूर बाड़ा है। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो आरोपी के खिलाफ? आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये इस तरह की हरकतें करता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, गौ माता के साथ में उसने ऐसा किया था। आपका नाम? आपका नाम गोवर्धन गहलोत।